हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं लल्लनटॉप। एक बार फिर शुरू हुआ हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। प्रेमानंद महाराज और कथावाचक का विवाद कहां पहुंचा, फेसबुक के ग्रुप्स में अब किस तरह का साहित्य रचा जा रहा है, अलग अलग देश के लोग साथ आए छड़ियों के लिए, और पिक ऑफ द डे में बताएंगे फिल्मी दुनिया की मजेदार कहानियों वाले पेज किस्सा टीवी के बारे में। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो प्रेमानंद महाराज को जानते ही होंगे, युवाओं में भी काफी चर्चित हैं, उनके भक्त हों या उनको देखने वाले हर किसी के मुंह से ये बात अक्सर सुनाई पड़ती है कि ये वाले बाबा जी अलग हैं, कंट्रोवर्शियल या निगेटिव बातों से बहुत दूर रहते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, दकी अनुसी या अंधविश्वास की बातें नहीं करते, भूत प्रेत जादू चमत्कार जैसी बातों को सिरे से नकार देते हैं। उनके बारे में वो बात भी खूब बताई जाती है कि कैसे किडनी खराब होने पर किसी की किडनी तक उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। इन तमाम बातों और उनके रोज के प्रवचनों के कारण धीरे धीरे शांति से उनकी वो पहुंच और चाहने वालों का ऐसा वर्ग बन गया है जो फिलहाल किसी और धर्म गुरु के आसपास नजर नहीं आता है, लेकिन अभी वो एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने हैं। धर्म के विवाद एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा रिस्क रहता है, जाने कौन किस तरह से उसको ट्रांसलेट कर ले जाए, इसलिए शॉर्ट में बताते हैं। सीहोर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ। जितनी क्लिप चल रही थी उसमें वो राधा जी के मायके बरसाना और उनके विवाह के बारे में कुछ दावे कर रहे थे, और इतनी बात के बाद वो वीडियो वहीं पे एडिट करके खत्म कर दिया गया था। इस क्लिप के बाद बवाल हुआ, खबरें आईं कि ब्रज क्षेत्र में लोग नाराज हैं, एसएसपी से शिकायत भी की गई है, ऐसा अभी खबरों में पता चला। खैर, बात जब बढ़ी तो वो क्लिप पहुंच गई प्रेमानंद महाराज के पास, जिस पर उन्होंने रिएक्ट किया। साधन पथ नाम के चैनल पर उनका एक वीडियो आया, 24 मिनट 45 सेकंड की। इस वीडियो का टाइटल था राधा रानी पर टिप्पणी करने वाले सावधान, अन्यथा होगी ऐसी दुर्गति। इस वीडियो में वो क्लिप की बात करते हुए तमाम बातें कहते, मेरे नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि चार श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए, कभी संतों के चरणों में नहीं बैठे, आगे कहा कि जो राधा जी के बारे में नहीं जानता उस बारे में बात करने का अधिकार नहीं रखता है, ये भी कहा कि तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता, मर्यादा की बात कही, ब्रह्म तत्व बोध न होने की बात कही, कहा कि चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा तो जानता है कि बड़ा भागवत प्रवक्ता है। इसके अलावा भी तमाम बातें कही गई, ग्रंथों की बातें कही गई। उसके बाद प्रदीप मिश्रा की सफाई आई, कहते मिले कि वीडियो 14 साल पहले की है, 14 वर्ष पहले कमलापुर की कथा में वो बात कही थी, उसमें हमने राधा जी की विवाह का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के साथ भी किया है, और भी तमाम सफाइयां दी। एक वीडियो में ये कहते भी नजर आए कि वो रसिक संत है, मतलब प्रेमानंद जी रसिक संत है, एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है तो दास दंडवत करता हुआ उनके चरणों में पहुंचता, उनके चरणों में प्राण न्यौछावर है, ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। एक और वीडियो में उन्होंने कहा कि आधी बात चलाने वालों को राधा रानी और भोलेनाथ देख लेंगे। बेसिकली इस वीडियो में ये कह रहे थे कि कैसे वीडियो को आधा चलाया गया और पूरे वीडियो में उन्होंने क्या क्या कहा था वो सब हटा दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी बवाल के दौर चले। लिखा गया कि राधा जी पर टिप्पणी करना कुबेरेश्वर धाम के पंडित जी पर पड़ा भारी, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर भड़के प्रेमानंद जी महाराज बोले, ऐसे धूर्तों की कथा सुनना छोड़ दो, खुद को कुछ ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों से कथा सुनने से नर्क की प्राप्ति होती है, कौन सही कौन गलत। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रेमानंद महाराज को भी भला बुरा कहते हुए नजर आए। जैसे लिखा गया कि प्रेमानंद ने किया त्रिशक्ति महाकाल परशुराम महाकाली का अपमान, आगे लिखा गया कि अधर्मियों के वश में होकर कथा के नाम पर महादेव श्रीहरि परशुराम महामाई महाकाली का अपमान कर रहा है, ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन में ईसाइयों का अड्डा है, विधर्मियों का एजेंट, जैसी तमाम बातें और आरोप इन्होंने लगा दिए, ट्विटर पर पोस्ट किया। लोगों ने संतुलित बातें भी लिखी कि प्रदीप मिश्रा जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज को सनातन की जो शास्त्रार्थ की परंपरा है उसके माध्यम से जो भी दोनों का विषय है उसको भक्तों के सामने लाना चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा के फॉलोअर प्रेमानंद महाराज को और उनके प्रशंसक प्रदीप मिश्रा को भला बुरा कह रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है, कुछ ने तो दोनों को ही कैंसिल कर दिया। लिखा गया कि प्रेमानंद बाबा अनेक बार राधा जी का दास बताते हुए भगवती दुर्गा काली और भगवान शिव को अपमानित कर चुके हैं, ठीक यही कार्य प्रदीप मिश्रा ने भी करा है राधा जी के विषय में नरगल प्रलाप करके। मूलतः प्रेमानंद और प्रदीप मिश्रा दोनों ही अभिमानी हैं और शास्त्रों के सार से अनभिज्ञ हैं। प्रेमानंद महाराज के समर्थकों ने लिखा कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा व्यास गद्दी से श्री राधा जी पर की गई टिप्पणी अतिनिंदनीय है, जिसका विरोध प्रेमानंद महाराज जी कर रहे हैं और मैं प्रेमानंद महाराज जी का पूर्ण समर्थन करता हूं, राधे राधे। अब बारी उस खबर की जिसे कल टीज तो किया था लेकिन पढ़ना भूल गए थे। मुद्दे पर आते हैं। फेसबुक का हाल वैसे तो ऐसा हो गया है कि यूजर उस शेर की ओर शिफ्ट हो गए हैं कि अब तो आलम यह तन्हाई से हम तंग आकर खुद ही दरवाजे की जंजीर हिला लेते हैं, लेकिन ग्रुप्स में अलग साहित्य रचा
बेचा जा रहा है। ग्रुप्स का चलन तो हमेशा से ही था, लेकिन लगातार कई मज़ेदार नाम और मज़ेदार सलीके वाले ग्रुप्स दिखे। कंटेंट छोड़िए, नाम देखकर ही आपको मज़े आ जाएंगे। एक ग्रुप ऐसा जहां सब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हों। एक में ऐसे बात करनी है जैसे सब एक ही परिवार के लोग हों। ठीक है, नेल कटर कहाँ गया मेरा, इस घर में एक चीज़ नहीं मिलती मेरे को कसम से। एक ग्रुप में एंट्री तभी मिलेगी जब आप देखने में एवरेज हो। पता नहीं इस ग्रुप में ऐड होकर लोग खुश होंगे या दुखी होंगे। एक ग्रुप में ऐसा बिहेव करना है जैसे आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो। बजा ले हॉर्न, मेरे सिर के ऊपर से निकल जाओ। एक में सबको ऐसे बिहेव करना है जैसे सब पतंगे हो। एक ऐसा ग्रुप दिखा जहां वो कोई बात करना शुरू करेंगे लेकिन। एक ग्रुप जहां सब मैकडी के एम्प्लॉई बन जाएंगे और एक ग्रुप दिखा जहां सब रूममेट होंगे। वो सब ठीक है, मेरी चप्पल रख दे, छोड़ दे मेरी चप्पल, चींटियों की कॉलोनी है। और एक ग्रुप में सबको चींटी जैसा व्यवहार करना है। स्कूल के दिन याद आते हो तो इस ग्रुप में जाइए जहां सब ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे स्कूल में हो। एक सेकंड, सब शांत, गायत्री में हमारी है। और एक ग्रुप ऐसा भी जहां सबको बिल्लियों जैसा बिहेव करना है। अब बात करते हैं एक राष्ट्र की जहां का नागरिक कोई भी हो सकता है, आप हम कोई भी। जरूरत है अच्छी और पारखी नज़र की। इस नज़र से आपको खोजनी है स्टिक यानी छड़ी, कोई भी लकड़ी जिसमें कोई खास गुण हो वो आप स्टिक नेशन को बता सकते हैं। जैसे ऊपर के फेसबुक ग्रुप एक कम्युनिटी है, वैसे ही स्टिक नेशन भी एक कम्युनिटी है जहां लकड़ियों का रिव्यू किया जाता है। ये सब एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था। ऑब्वियसली कुछ दोस्त घूमने जाते हैं, उनको रास्ते में पड़ी हुई बेहतरीन छड़ियाँ मिलती हैं। कोई एकदम मस्त वाली तलवार बन सकती है, किसी को चलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ने इसका एक वीडियो बना दिया। धीरे धीरे लोग अलग अलग खूबी वाली छड़ियों का वीडियो बनाकर भेजने लगे और बन गया स्टिक नेशन। अब लोग कैसे वीडियोज डालते हैं उदाहरण देख लीजिए। कुल मिलाकर आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, थोड़ा सा जागरूक रहना है और नेचर के पास रहना है। जितना आप प्रकृति के पास रहेंगे उतना ही आप स्टिक नेशन के सदस्य बन सकते हैं पक्के वाले। अब बात कर लेते हैं एक ट्रेंड की। जब आप दोस्तों से मिलते हैं तो एक सवाल जरूर आ जाता है कि क्या देख रहे हो आजकल। आपने कुछ एकदम माइंड ब्लोइंग, दिमाग को तार तार कर देने वाला एकदम ऐसा कुछ देखा है जिसको देख के आप खुद सहम गए, लेकिन उसे आप लोगों को ऐसे ही खुशी से बताते हो भाई ये जरूर देखते हैं, एकदम दिमाग हिल जाएगा। होता है, आप भी ऐसा ही करते हैं और सामने वाला भी। इंसान के इसी बिहेवियर पर अब मीम बना है। इस मीम में एक महिला की तस्वीर है जो परेशान है और उसके सामने लिखा है मी वॉचिंग, और नीचे एक और तस्वीर है जिसमें एक खुश महिला है और लिखा है मी रिकमेंडिंग। आइए देखते हैं लोग क्या क्या मीम बना रहे हैं। अक्टूबर फिल्म के बारे में कहा गया कि उसे देखते हुए दुख होता है लेकिन रिकमेंड करते हुए खुशी। कल हो ना हो को भी ऐसी ही फिल्म की लिस्ट में रखा गया। तारे जमी पर, मसान, रॉकस्टार, तमाशा और गजनी जैसी फिल्मों को इस मीम में फिट किया गया। वैसे अभी तक आनंद पर किसी ने मीम बनाया नहीं, बता देना। और आप किस फिल्म या सीरीज को इस मीम में फिट करेंगे वो बता देना। और जब अजीब अजीब ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो एक और ट्रेंड बताते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक और ट्रेंड महीने भर से या उसके भी पहले से चल रहा है लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्टा पोस्ट के कैप्शन में वो एक लंबी सी बात लिखते नजर आ रहे हैं। कैप्शन शुरू होता है नो प्रॉब्लम, हियर इज द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मर्सिडीज CLR, और फिर इतना लंबा चलता जाता है जितनी लंबी रील भी नहीं चलती। बहुत लंबा कैप्शन होता है। और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है, ना कोई जवाब मिल रहा है, ना कोई कारण है। ये बस हो रहा है क्योंकि लोग कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके पीछे कारण ये है कि लोग इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ट्रिक एक होता है उसको पकड़ चुके हैं, उसको जान चुके हैं, और वहाँ से ट्रिक से वो क्या करते हैं जो गलत रास्ता साइड वाला रास्ता कुछ होता है ना कि मिसयूज कर लो किसी ट्रिक का, हैक, हाँ वही कर लिया है। वीडियो और रील में दोनों में ज़्यादा व्यू आते हैं, लोगों का ऐसा कहना है ऐसा करके। अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये एक राज है, मगर सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया भर के लोग खासकर मीम पेजेज पर इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक खास फेसबुक पेज। इस पेज का नाम है किस्सा TV। पेज पर आपको मिलेंगी फिल्मी दुनिया के अलग अलग किस्से मिल जाएंगे, कहानियाँ मिल जाएंगी। अगर आपको फिल्मों, शोज और बॉलीवुड के जुड़े लोगों की कहानियाँ विस्तार से पढ़ने का बड़ा मन रहता है तो आपको ये वहाँ आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही ऐसे एक्टर जो मतलब पूरा हीरो है, हीरोइन है, मेन कैरेक्टर नहीं है, साइड वाला कैरेक्टर है, और अब कहाँ है, आप ऐसे किस्से खोजते रहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। उनका इंटरव्यू करके ये ले आते हैं, टेक्स्ट में डालते हैं। आप चाहें तो उनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ आपको ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। बाकी आज के शो में इतना ही। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना फिर से आ गई है। ज़रूरी सूचना के बिना हमारा काम नहीं होता। हमारे उन मित्रों के लिए है जो न्यूयॉर्क या उसके आसपास रहते हैं। न्यूयॉर्क के आसपास कितना पास रहता होगा निखिल, बहुत बड़ा होगा न्यूयॉर्क, मैं तो कभी गया नहीं।
खैर, तो रविवार को अगर आप न्यूयॉर्क या उसके आसपास हैं तो आप कर सकते हैं ललन टॉप मुलाकात। किसके साथ? ऑब्वियसली जो गए हैं वहाँ हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी के साथ। 16 जून को अगर मिलना है तो मेल करिए lt@lallantop.com पे। फिर होगा ये कि आपको जगह और समय के बारे में एक्यूरेट जानकारी अपने इनबॉक्स में मिल जाएगी। और एक सूचना और है कि आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। 100 एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर देखना मत भूलिएगा। ज़्यादा सूचनाएं हो गई यार, चलते हैं हम। ख्याल रखना अपना, टाटा।